गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा सातवीं विषय हिंदी। आठवीं कविता है हम चलते सीना तान के। कविता का नाम है हम चलते सीना तान के। इस कविता के जो पांच पंक्तियां है उस पांच पंक्तियों का अर्थ भी आपको समझा के दिया गया है, ठीक है। उसके साथ कविता गाकर भी आपको सुनाई गई है और उसके बाद आपको स्वाध्याय भी जुड़ा कर दिया जाएगा। तो स्वाध्याय में सबसे पहले है शब्दार्थ, ठीक है। तो एक बार ध्यान दो, इधर वर्ण, वर्ण यानी क्या होता है रंग, वर्ण यानी क्या होता है रंग। समता यानी समानता, समता का अर्थ क्या है समानता। पुरखे यानी पूर्वज, हमारे जो पूर्वज है हमारे दादा, दादा के दादा है ना पूर्वज। विवेक यानी जिसे भले बुरे का ज्ञान रहता है उसे हम कहते हैं विवेक, भले बुरे का ज्ञान। उसके बाद मरुस्थल, मरुस्थल यानी रेगिस्तान, मरुस्थल यानी क्या होता है रेगिस्तान। उसके बाद एहसान, एहसान का अर्थ है उपकार, एहसान का क्या अर्थ है उपकार। निशान, निशान यानी झंडा, निशान यानी क्या होता है झंडा। समर, समर का अर्थ है युद्ध, समर का अर्थ क्या है युद्ध। रचकन, रचकन का अर्थ है धूलिकण। गौरव, गौरव का अर्थ है सम्मान। वीरत्व यानी वीरता, वीरत्व का क्या अर्थ है वीरता। गाथा यानी प्रशंसा, गाथा यानी प्रशंसा। अगणित यानी अनगिनत, अगणित यानी क्या होता है अनगिनत। उसी के साथ आपको एक मुहावरा यहाँ पर दिया गया है सीना तान कर चलना, सीना तान कर चलना यानी गर्व के साथ चलना, सीना तान के चलना इसका अर्थ क्या है गर्व के साथ चलना। उसके बाद आपके लिए गृहपाठ है, गृहपाठ में आपको दिया गया है कि हम चलते सीना तान के इस कविता का भावार्थ आपको अपने शब्दों में लिखना है। हम चलते सीना तान के ये जो कविता हमारी हुई है इसका जो भावार्थ है आपको अपने शब्दों में लिखना है। आपको यहाँ पर डाइजेस्ट का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। जैसे भी आपको ये कविता समझी होगी उस प्रकार उसका भावार्थ आपको लिखना है। ये जो कविता है हमारी हम सीना तान कर चलते, इस कविता में समता बंधुता एवं देश प्रेम की जो भावना है उसके ऊपर ये कविता है। समता बंधुता और देश प्रेम की जो भावना है उसके इस कविता के माध्यम से, जो इस कविता के कवि है हरिवंश राय जी बच्चन, उन्होंने हमारे सामने रखी है, ठीक है। तो इस कविता का जो भावार्थ है आपको अपने शब्दों में लिखना है। इसके सामने का जो स्वाध्याय है आपको कल छुड़ा कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने दो तीन बार आपको बताया है कि सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो कविता है अपने बुक में लिखना है हिंदी के बुक में। उसके साथ कविता का जो चित्र दिया गया है वो चित्र भी आपको अपने हाथों से बनाना है, चिपकाना नहीं है। किताब का फाड़ कर या झेरॉक्स निकाल कर आपको वो चित्र चिपकाना नहीं है, जैसे भी बनता है आपको खुद वो चित्र तैयार करना है। कविता लिखनी है, कविता लिखने के बाद ये शब्दार्थ आपको लिखना है और शब्दार्थ लिखने के बाद कविता का जो भावार्थ है आपको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है।